रोमन रेंज वर्सेस सैमी जैन की फ्यूड को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। द रॉक के रिटर्न को फिर से टीज करा गया है विंस मैकमैन को लेके, और रॉयल रंबल में जो सुपरस्टार सरप्राइज एंट्री करने वाले हैं उनको लेके क्या अपडेट है। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अब पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विंस मैकमैन के बारे में। जैसा कि रूमर्स थे कि विंस मैकमैन सैटरडे को होने वाले पीपीवी रॉयल रंबल में एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहीं अब अपडेट ऐसी है कि विंस मैकमैन पे थर्ड लॉ सूट भी फाइल हो गया है, मतलब कि तीसरा केस भी उन पे हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन को 2 वीक पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अपीरियंस के लिए, बट अभी जो थर्ड लॉ सूट उनके खिलाफ हुआ है उसकी वजह से शायद वो अपनी अपीरियंस होल्ड पे डाल सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। लेकिन अभी तक चीज़ें प्लान ए के साथ चल रही हैं, मतलब कि विंस मैकमैन हमें अभी रॉयल रंबल में दिखाई दे सकते हैं। अभी तक का जो सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है उसमें वो दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के बारे में, और स्पेशली 30 मैन रॉयल रंबल के बारे में। WWE ने अभी तक 15 मेल सुपरस्टार के नाम इस मैच के लिए कंफर्म कर दिए हैं, मतलब कि अभी भी 15 सुपरस्टार के नाम इस मैच के लिए बचे हुए हैं। अब रूमर ऐसे हैं कि WWE इस मैच में केवल 7 सुपरस्टार को सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर दिखाने वाली है, मतलब कि 8 नाम अभी आने वाले दिनों में कन्फर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं 7 सरप्राइज एंट्री को लेकर रूमर ऐसे हैं कि WWE ने इन्हें सीक्रेट रखा हुआ है, और ये तब तक सीक्रेट है जब तक कि मैच स्टार्ट नहीं हो जाता, मतलब कि लास्ट मिनट तक WWE इन नामों को सीक्रेट रखने वाली है। अब देखते हैं वो 7 सुपरस्टार कौन कौन से होने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा वो 7 सुपरस्टार कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी रॉयल रंबल से जुड़ी हुई है। WWE ने अभी तक रॉयल रंबल के लिए 3 सिंगल मैचेस, वुमेन्स रॉयल रंबल मैच और मैंस रॉयल रंबल मैच अनाउंस कर दिया है। वहीं सोनिया डेविल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच अभी रूमर्स के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। उम्मीद करी जा रही है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में शायद मैच फाइनल हो जाएगा। अब रॉयल रंबल के मैच के ऑर्डर को लेकर रूमर्स सामने आ रहे हैं, मतलब कि कौन सा मैच किस ऑर्डर पर होने वाला है, मतलब कि एक तरह से लाइनअप निकल के सामने आया है। पहले जो मैच ऑर्डर सामने आया था उसमें वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, फिर रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस का मैच, देन अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच मैच, फिर ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट के बीच मैच, देन मेन इवेंट 30 मैन रॉयल रंबल मैच। बट अब जो ऑर्डर निकल के सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस के बीच मैच एंड में मूव हो सकता है, मतलब कि शायद मेन इवेंट में हो सकता है, और शायद आने वाले दिनों में चीज़ें और भी बदल सकती है, मतलब कि मैच उलटफेर हो सकते हैं, लाइनअप इनका ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे भी रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस के बीच मुझे नहीं लगता है कि मैच मिड में होगा, वो भी नंबर 2 पे होगा। उम्मीद है या तो मेन इवेंट होगा या को-मेन इवेंट होगा, अगर इसमें वाकई कुछ सरप्राइज और हिला देने वाला देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं फिर से द रॉक के रिटर्न के बारे में, जो कि एक बार नहीं बार बार टीज करा जा रहा है। फिर से रॉक के रिटर्न को लेकर चीज़ें टीज करी गई हैं, और इस बार ये फिर से बीटी स्पोर्ट ने टीज करा है। बीटी स्पोर्ट ने रॉयल रंबल के लिए 5 बोल्ड प्रेडिक्शन पोस्ट करी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। वहीं 5th नंबर पर उन्होंने द ग्रेट वन यानी कि रॉक के रिटर्न को फिर से टीज करा है। उन्होंने लिखा है कि क्या ये साल रॉक के रिटर्न के नाम होने वाला है, और जीत के साथ क्या उनकी निगाहें द शो ऑफ शो यानी कि रेसलमेनिया 39 पे होंगी। अब वाकई दबा के रॉक के नाम का फायदा लिया जा रहा है। वहीं रॉक और स्टोन कोल्ड को लेकर रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि अगर ये दोनों सुपरस्टार रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं तो WWE इन दोनों के रिटर्न को बहुत सीक्रेट रखने वाली है। इवन किसी रोस्टर को भी पता नहीं लगने दिया जाएगा कि रॉक और स्टोन कोल्ड रॉयल रंबल के दौरान बैक स्टेज रिटर्न को लेकर मौजूद हैं। कुल मिला के ये है कि WWE लास्ट मिनट तक रॉक और स्टोन कोल्ड को हाइड रखेगी। अब देखते हैं वो रिटर्न करते भी हैं या नहीं। अब बात आती है रोमन रेंज वर्सेस सैमी जैन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाले मैच के लिए। जैसा कि रिसेंट में हुए रॉकी 30th एनिवर्सरी में सैमी जैन ट्राइबल कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन पे पॉल हेमन ने रोमन रेंज के बिहाफ पे ये कहा था कि सैमी जैन आज भी केविन ओवंस से मिले हुए हैं। वहीं जे उसो ने उनको डिफेंड करा था। इसके बाद रोमन रेंज ने कहा था कि सैमी जैन का फाइनल टेस्ट रॉयल रंबल में होने वाला है। मतलब साफ है जब रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस के बीच मैच होगा तब सैमी जैन को खुद को रोमन रेंज के सामने फिर से प्रूव करना होगा, और उनका ये फाइनल चांस होने वाला है। लेकिन रूमर जैसे आ रहे हैं कि यहाँ कुछ शॉकिंग और हिला देने वाला देखने को मिल सकता है। रूमर जैसे हैं कि रोमन रेंज और सैमी जैन के बीच स्टोरी लाइन पे क्रिएटिव टीम पिछले महीने से काम कर रही है, और बताया
जा रहा है कि इनके बीच फ्यूड की शुरुआत ठीक रॉयल रंबल के बाद शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए जो कि सैमी ज़ेन के होम टाउन में होने वाला है, उसमें रोमन रेंस वर्सेज सैमी ज़ेन के बीच मैच लॉक बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस सब की शुरुआत कैसे होती है और रोमन रेंस वर्सेज सैमी ज़ेन के बीच अगर चैम्बर में मैच दिखता है तो वो किस टाइटल के लिए होगा, कौन से टाइटल के लिए होगा। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।